सो हेलो गाइस, मैं हूं साइंस सैनी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक बॉय सैनी में, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को वीवो Y20G की जो भी सेटिंग्स है वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। साथ ही अगर आप वीवो Y20G की जो रिव्यू वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे अब हम आ चुके हैं वीवो Y20G के होम स्क्रीन पे, और सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं होम स्क्रीन सेटिंग्स पे। सो जैसे ही हम लॉन्ग टैप करके रखेंगे होम स्क्रीन पे, सो यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। और सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हो, जैसे ही हम इस ऑप्शन में चलते हैं सो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिलता है। गाइस, जब भी हम कोई अपना इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कभी कभार क्लियर कर देते हैं गलती से, सो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और यूजफुल ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे बबल्स। गाइस, ये बबल्स कन्वर्सेशन अगर आप इसे इनेबल करते हो तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसे रहेंगे जो एक बबल्स की तरह फ्लोट होंगे डिस्प्ले पे, और आप उन पे जो है कभी भी एक्शन ले सकते हो। मान लो अगर कोई चैटिंग के लिए ऐप है तो वो बबल्स के जैसे फ्लोट होगा, जैसे मैसेंजर होता है। सो इस टाइप से कुछ एप्लीकेशंस जो है बबल्स में आएंगे। और इसी के नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, और ये काफ़ी कूल ऑप्शन है क्योंकि अगर आप इसे इनेबल करते हो तो जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा तो फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो अपने आप लाइट अप हो जाएगी। सो ये बहुत कूल लगता है देखने में। और इसके बाद यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप देखोगे अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन एक ऑप्शन होगा। अगर आप इसे इनेबल कर दोगे तो जो होम स्क्रीन है वो रोटेट होगी, चाहे आप लैंडस्केप करो तो लैंडस्केप हो जाएगा, पोर्ट्रेट करो तो पोर्ट्रेट मोड में। सो ये काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, हम एक टैब के जैसे जो है अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है और यूज़फुल है, बहुत बार ये काम आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि जब आप होम स्क्रीन पे होगे और जो नोटिफिकेशन बार को स्लाइड करोगे तो उनकी दो सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो आपको सही लगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे आप फोन में दो एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको अपने रिसेंट एप्लीकेशंस को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको एक छोटा डॉट देखने को मिल जाएगा। ये जो छोटा डॉट है, जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप जो है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसमें सिंपली होगा क्या, दो एप्लीकेशन एक साथ चलेंगी। इसमें सारी एप्लीकेशन जो है सपोर्ट नहीं करती स्प्लिट स्क्रीन को, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन जो है सपोर्ट कर जाती है। सो यहाँ से अभी आप देख सकते हो ऊपर जो है गूगल क्रोम चल रहा है और नीचे यूट्यूब। सो गाइस, ये भी कि काफ़ी बार बहुत काम आता है जब आपको वीडियोज़ एक साथ देखनी हो या फिर कुछ सर्फिंग करना हो, चैटिंग करनी हो व्हाट्सएप वगैरह पे, तो आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, अब हम चलते हैं फ़ोन के नोटिफिकेशन शॉर्टकट्स में। सो यहाँ पे आपको जो है स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है, आई प्रोटेक्शन, डार्क मोड, स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही नेक्स्ट स्क्रीन में यहाँ पे आपको जो है गेम के लिए अल्ट्रा गेम मोड मिल जाता है, साथ ही स्मार्ट मिररिंग। सो यहाँ पे आप शॉर्टकट पे डायरेक्टली ये सब चीज़ें जो है अप्लाई कर सकते हो। सो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ़ोन के मेन सेटिंग्स में, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होगी वो मैं आपको सबसे फर्स्ट में बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, और यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट एंड थिएटरिंग का ऑप्शन दिख जाता है। सो गाइस, यहाँ से आप ब्लूटूथ और USB थिएटरिंग के थ्रू जो है अपने मोबाइल का डाटा शेयर कर सकते हो किसी दूसरे, अपने जैसे कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ, या किसी दूसरे मोबाइल के साथ आप करना चाहो तो। और इससे नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लूटूथ एंड डिवाइस में। सो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे स्मार्ट मिररिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप अपने डिवाइस की जो स्क्रीन है वो दूसरे डिवाइसेस के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से OTG का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर इसे आप इनेबल करते हो तो आप अपने फोन में जो है पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर सकते हो OTG केबल के थ्रू। ये थोड़ा नीचे आपको जो है एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ से आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने फोन के जो कुछ ऐप्स हैं वो अपने कार के स्टीरियो पे यूज़ कर पाओगे, अगर आपका कार का स्टीरियो कंफर्टेबल होगा तो। और गाइस, इसके बाद हम चलते हैं फोन के डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। सो यहाँ पे आपको जो है डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आई प्रोटेक्शन जो कि आपको ऊपर शॉर्टकट पैनल में भी मिल गया था, और यहाँ पे आपको जो है फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपने फ़ोन के जो फ़ॉन्ट्स हैं उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से। और इसी के नीचे फ़ॉन्ट स्टाइल भी मिल जाता है, यहाँ से आप अपने फ़ोन के फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, साथ ही नए फ़ॉन्ट्स यहाँ से डाउनलोड मोड के ऑप्शन पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो फ़ोन में, ताकि आप अपने फ़ोन में कूल और स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स चला पाओ। और इसके बाद यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्क्रीन सेवर में कि फोटोज़ वगैरह स्क्रीन पे चले या फिर क्लॉक, और ये तब चलेगा जब आपका फ़ोन जो है चार्जिंग वगैरह पे लगा होगा। सो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब ये एनिमेशन चलना चाहिए। सो यहाँ पे अभी जैसे चार्ज में अगर ये फ़ोन लगेगा तो उसके बाद एक क्लॉक जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी स्क्रीन पे, और वो परमानेंटली रहेगी जब तक फ़ोन चार्जिंग पे रहेगा। और इसमें नीचे आप देखोगे फुल स्क्रीन डिस्प्ले, यहाँ से गाइस फुल स्क्रीन डिस्प्ले में अगर कोई ऐप मान लीजिए आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है और वो ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा फुल स्क्रीन में, तो वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन जो भी ऐप खुद से ठीक से फिट हो जाएंगे फुल स्क्रीन में वो यहाँ पे शो नहीं होंगे। सो अभी जो ऐप्स है सारे वो बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं तो वो यहाँ पे लिस्ट नहीं हो रहे। इसी के बाद टॉप एरिया डिस्प्ले, यहाँ से गाइस जो एप्लीकेशन ये टॉप एरिया है जो कैमरा का, अगर यहाँ पे कोई इशू हो रहा है
ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ से आके आप उसे चेक कर सकते हो। यहाँ के आप जो है अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जैसे ये एक तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा, या फिर कैमरा का जो एरिया है वो कवर रहे, या फिर ऑटोमेटिक फिटिंग आप कर सकते हो ताकि ऐप अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाए ऊपर के एरिया से। और गाइस इसके बाद हम चलते हैं लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स में। यहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप अपने लॉक स्क्रीन पर बार बार वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो, या फिर अपने फ़ोन के गैलरी से कोई फोटोज़ वहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको जाना है लॉक स्क्रीन सेटिंग में, और लॉक स्क्रीन सेटिंग में फिर आपको जाना है लॉक स्क्रीन स्टाइल में। सबसे पहले तो आपको मैगजीन सेलेक्ट करना है। सो मैगजीन सेलेक्ट करते ही होगा क्या कि वॉलपेपर जो ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे वो अपने आप इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है लॉक स्क्रीन पोस्टर में, और यहाँ से जाने के बाद सबसे फर्स्ट में तो आपको सब्सक्रिप्शन एंड लैंग्वेज इसमें जाना है। यहाँ से आप आके सब्सक्रिप्शन चेक कर सकते हो कि किस किस टाइप के वॉलपेपर आप अपने लॉक स्क्रीन पे देखना चाहते हो जो ऑटोमेटिकली रोटेट होते रहेंगे। सो यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है, जो आपको पसंद है वो सेलेक्ट कीजिएगा, जो पसंद नहीं है वो अनसेलेक्ट कर दीजिएगा। और इसके बाद आप देखोगे वॉलपेपर बीइंग यूज्ड का ऑप्शन है, और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे सो वो जो कैटेगरीज थी वो सारे वॉलपेपर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ से अगर आप किसी वॉलपेपर को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह पे, अपने फेसबुक पे, कहीं पे भी। और यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड लोकल वॉलपेपर्स, सो यहाँ से आप अपनी गैलरी से जो लोकल वॉलपेपर्स हैं इजिली ऐड भी कर पाओगे। सो आपकी लॉक स्क्रीन पे आपकी फोटोज वगैरह जो है गैलरी से आपने सेलेक्ट किया वो सब बार बार चेंज होते रहेंगे। गाइस अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सो हम नेक्स्ट चलेंगे डायनेमिक इफेक्ट्स में, और यहाँ पे आप देखोगे फेशियल रिकॉग्निशन एनिमेशन। जो एनिमेशन है आपके लॉक स्क्रीन पे आता है जहाँ पे आपका फेस का लोगो होता है, सो यहाँ से आप जो एनिमेशन है वो चेंज कर सकते हो फेस रिकॉग्निशन का। और इसके बाद चार्जिंग एनिमेशन आता है, जो चार्जिंग जब आप अपने फोन को लगाओगे तो कुछ इस टाइप के एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं, और गाइस ये काफ़ी कूल लगता है देखने में। सो आप यहाँ से डायनेमिक इफेक्ट जो अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट हम चलते हैं साउंड्स में। सो यहाँ पे साउंड्स में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग साउंड कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जैसे डायल पैड का साउंड आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, स्क्रीन लॉक का साउंड, स्क्रीन कैप्चर टोन का साउंड। सो सब ये साउंड यहाँ से आप जो है इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और इसी के नीचे आपको टच वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, इसे इनेबल करते ही होगा क्या, जैसे आप ये अपने सॉफ्ट कीज वगैरह यूज़ करते हो तो एक हल्का सा आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, जिसे हम हैप्टिक फीडबैक बोलते हैं। सो यहाँ से आप उसे इनेबल कर सकते हो। और इसके नीचे आप देखोगे ईयर कस्टमाइज्ड साउंड इफेक्ट। सो गाइस यहाँ से जब आप म्यूज़िक वगैरह प्ले करते हो तो यहाँ से इसे इनेबल कर लीजिएगा, और उसके बाद आप अपना यहाँ से कस्टम साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें जब ईयरफोन लगे होंगे तभी हम कोई अपना साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको साउंड में भी काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। और इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। सो गाइस यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप चेक कर सकते हो आपने फ़ोन को कितनी देर के लिए यूज़ किया है, कौन कौन सी एप्लीकेशन कितने टाइम के लिए यूज़ की है। और इसके बाद ऐप क्लोन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप अपने फोन में कुछ ऐप्स होंगे जो यहाँ से क्लोन कर सकते हो। फिलहाल के लिए फेसबुक और स्नैपचैट का ही ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही हम व्हाट्सएप वगैरह या जो भी ऐप्स अवेलेबल हो सकती हैं वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे इंस्टॉल होने के बाद। सो यहाँ से आप ऐप क्लोन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप का ऑप्शन है। गाइस कई बार होता क्या है, जैसे हम अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर डाल लेते हैं, उसके बाद गलती से ट्रू कॉलर डिफ़ॉल्ट ऐप सेट हो जाता है, जिससे सारी जो कंट्रोल है वो ट्रू कॉलर पे ही होती है। सो यहाँ से आगे हम डिफ़ॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अगर ट्रू कॉलर डाला होता तो वो यहाँ पे लिस्ट में होता, तो हम ट्रू कॉलर को अगर अपना डिफ़ॉल्ट ऐप यूज़ करना चाहे फ़ोन ऐप के तौर पर तो हम ट्रू कॉलर को यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम चेंज करना चाहे फ़ोन ऐप को तो यहाँ से हम फ़ोन ऐप कर सकते हैं। सो कई बार गलती से काफ़ी लोगों से डिफ़ॉल्ट ऐप चेंज हो जाती है, तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट ऐप में आके चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे परमिशन मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपकी किस किस ऐप ने आपकी कैमरा की परमिशन ली हुई है, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन ली हुई है, लोकेशन की, माइक्रोफोन की। ये आपके सिक्योरिटी के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा फीचर्स है, क्योंकि इससे होता क्या है कि हम अच्छे से हमारे सभी ऐप्स पर नज़र रख सकते हैं, और हमारे जो भी ऐप्स हैं उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये ऐप हमारे कैमरा को यूज़ कर सकता है या नहीं, माइक्रोफोन को यूज़ कर सकता है या नहीं। अगर अननेसेसरी किसी ने माइक्रोफोन या फिर कैमरा की परमिशन ले रखी है तो आप वहाँ से इसे डिसेबल कर सकते हैं। और इससे नेक्स्ट हम चलते हैं बैटरी एंड स्टोरेज में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड पावर कंजप्शन मैनेजमेंट। यहाँ से आके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ऐप बैकग्राउंड में ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा है, और उसे आप यहाँ से जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये ऐप आपके ज़्यादा यूज़ की नहीं है फिर भी बैकग्राउंड में डाटा यूज़ कर रही है, तो यहाँ से आप उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्टोरेज में। गाइस स्टोरेज में काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट यहाँ पे हमें स्टोरेज की देखने को मिल जाती है। काफ़ी बार होता क्या है कि हमारे फ़ोन में कुछ एप्लीकेशंस, म्यूज़िक वीडियोस या फिर अननेसेसरी फाइल्स हो जाती हैं काफ़ी सारी इकट्ठा, और स्टोरेज भर जाती है। सो यहाँ से आगे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी क्लियर व्यू मिल जाता है हमारी स्टोरेज का, कि हमारे फ़ोन में फोटोज़ वीडियोज़ कितने MB में है, या फिर कौन सी ऐप ने कितनी स्पेस यूज़ की हुई है। सो यहाँ से आके हम क्लियरली अननेसेसरी फाइल्स को, फोटोज़ को, वीडियोज़ को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। सो ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है स्टोरेज का।
इसके बाद हम चलते हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट और फेस लॉक लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन में जाना है, और सबसे पहले आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको जाना है ऐप इंस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आपको जो है ऐप्स की लिस्ट मिल जाएगी, जिन भी ऐप पे आप लॉक लगाना चाहते हो वो लगा लीजिएगा। और एक बार लॉक लगाने के बाद जब आप उस ऐप को ओपन करोगे तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, उस पासवर्ड को डालिएगा, और उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप अपने फेस लॉक को या फिर फिंगरप्रिंट लॉक को यहाँ पे यूज़ करना चाहोगे इस एप्लीकेशन के ऊपर या नहीं, तो आप यस कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप उस ऐप को ओपन करेंगे तो आपकी फेस और फिंगरप्रिंट की वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, बार बार आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी। सो अब सिक्योरिटी के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अल्ट्रा गेम मोड में, और यहाँ पे आपको जो है गेम मोड में काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, यानी कि आप नोटिफिकेशन वगैरह को म्यूट करना चाहते हो, या फिर साउंड क्वालिटी उसकी चेंज करना चाहते हो गेम की, या फिर यहाँ पे आपके जो कॉल है अगर आप गेम खेल रहे हो उस टाइम आप कॉल को रिजेक्ट करना चाहते हो या फिर आंसर करना चाहते हो, तो ऐसी कुछ काफ़ी सेटिंग्स यहाँ पे आप कर सकते हो अल्ट्रा गेम मोड में आके। इसके बाद हम चलते हैं शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे आपको फोन की काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है और सेटिंग्स भी। सो सबसे फर्स्ट में आपको स्क्रीन कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि स्क्रीन शॉट का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप नीचे की तरफ 3 फिंगर स्वाइप करेंगे तो जो स्क्रीन शॉट है वो ले लिया जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो तो वहाँ पे आपको जो है माइक्रोफोन का साउंड चाहिए या फिर सिस्टम का ऑडियो चाहिए, ये सब आप सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो। साथ ही पिक्चर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हाई लो, वो सब यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ और भी सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं स्क्रीन कैप्चर से रिलेटेड। और इसके बाद यहाँ पे आपको स्मार्ट स्प्लिट देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, और आप स्मार्ट स्प्लिट को दूसरे तरीके से भी इनेबल कर सकते हैं। सिंपली आपको अपनी तीनों फिंगर जो है ऊपर की तरफ स्वाइप करनी है स्क्रीन पे, और स्मार्ट स्प्लिट जो है इनेबल हो जाएगा। अभी जो है सेटिंग्स में इनेबल नहीं होता, फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। डायरेक्टली हम होम स्क्रीन से स्मार्ट स्प्लिट को यूज़ नहीं कर सकते, स्मार्ट स्प्लिट बस उसी ऐप में ही यूज़ किया जा सकता है जो उसे सपोर्ट करता है। जैसे हम मान लीजिए यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्मार्ट स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और इनमें से कोई भी एप्लीकेशन हम एक साथ चला सकते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है। सो ये स्मार्ट स्प्लिट हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमें स्मार्ट मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में स्मार्ट मोशन के अंदर स्मार्ट स्क्रीन ऑन, यानी कि ये देखोगे रेज टू वेक का ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर हमारा फोन कहीं स्टिल रखा है और हम उठाते हैं तो अपने आप लाइट अप हो जाएगा। डबल टैप टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि फोन की स्क्रीन बंद होगी और हम डबल टैप करेंगे तो फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और ऐसे ही स्मार्ट वेक में यहाँ पे आप देखोगे अगर फोन की स्क्रीन ऑफ है और उस पर आप कुछ इस टाइप के जेस्चर क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि स्वाइप अप टू अनलॉक, अगर स्क्रीन ऑफ है स्वाइप अप करेंगे तो फोन अनलॉक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फोन पे कोई सिक्योरिटी या पासवर्ड नहीं होना चाहिए। स्वाइप डाउन टू टेक फोटो, अगर हम स्वाइप डाउन करेंगे तो फोटो ले ली जाएगी, कैमरा बंद रहेगा फिर भी फोटो ले ली जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, सो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे स्मार्ट कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्मार्ट कॉल में होगा क्या, जब भी हमारे पास जैसे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे स्मार्ट आंसर अगर हम इसे इनेबल करते हैं तो जब भी हमारे पास कोई कॉल आएगी और ईयर के पास हम फोन कॉल ले जाएंगे तो फोन ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगा। सो ऐसे ही अलग अलग सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जैसे स्मार्ट म्यूट, अगर आपका फोन रिंग कर रहा है और आप फोन के स्क्रीन के ऊपर अपना पूरा हाथ रख दोगे तो म्यूट हो जाएगा फोन, और ऐसे ही कुछ और भी सेटिंग्स है। सो आप चेक कर लीजिएगा, एक एक एक्सप्लेन करके बताना, आपका वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। आप देखोगे शेक टू टर्न ऑन फ्लैशलाइट, अगर हम इसे इनेबल करते हैं तो फोन को जब भी हम शेक करेंगे तो पीछे की जो कैमरा फ्लैशलाइट है वो इनेबल हो जाएगी। और इसके बाद हम चलते हैं क्विक एक्शन में। इस क्विक एक्शन में होगा क्या कि जो वॉल्यूम डाउन बटन है, अगर फोन की स्क्रीन ऑफ है और उसे आप कंटिन्यूसली दबा के रखते हो तो इनमें से कोई भी एक चीज़ एक्टिव हो जाएगी, बस यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे फ्लैशलाइट को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है तो फोन की स्क्रीन बंद है और हम वॉल्यूम बटन को दबा के रखेंगे डाउन साइड वाले को तो फ्लैशलाइट इनेबल हो जाएगी। और क्विक एक्शन के बाद यहाँ पे इजी टच हमें देखने को मिल जाता है। इजी टच है कि ये बोल आ जाएगी हमारे फोन की स्क्रीन पे, सो हम यहाँ से काफ़ी सारे एक्शंस जो है कर सकते हैं। सो ये आप चेक कर लीजिएगा, फिर अगर आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली मेरे को फेसबुक या फिर इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई जरूर से कर दूंगा आपका। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको फेस ब्यूटी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर इन ऐप्स में आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो यहाँ से आके आप जो है फेस ब्यूटी को इनेबल कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने व्हाट्सएप यूज़ नहीं इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो अभी मैं इसे इनेबल नहीं कर सकता। सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लैशलाइट नोटिफिकेशन पे। गाइस यहाँ से आप इनकमिंग कॉल और मैसेजेस पे जो फोन की पीछे की फ्लैशलाइट है अगर इसे इनेबल करते हो तो वो फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगेगी जब भी आपके पास कोई मैसेज आएगा या फिर कॉल आएगी। और इसके बाद यहाँ पे आपको 100 मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप फोन को जो है इस जेस्चर के थ्रू इजीली 100 मोड में यूज़ कर पाओगे। और ये आप देख भी सकते हो, कई बार हमें फोन को एक हाथ से यूज़ करना होता है तो हम इस जेस्चर के थ्रू ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट अब डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल में, यहाँ से गाइस जाके हम चेक कर सकते हैं अगर बच्चे फोन को यूज़ करते हैं तो ईजिली हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन कितने टाइम तक यूज़ की गई है, या फिर हम यहाँ से पेरेंटल कंट्रोल भी सेट कर सकते हैं ईजिली। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है पेरेंटल कंट्रोल का, डिजिटल वेलबिंग का। और इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम्स में। सो गाइस यहाँ पे सिस्टम में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो ये नेविगेशन कीज़ है आप यहाँ से हाइड कर सकते हो और जेस्चर सिस्टम का इजीली यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको जो है उसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा कैसे आपको जेस्चर सिस्टम को यूज़ करना है।
और गाइस सिस्टम्स में ही नीचे आपको मल्टी यूज़र का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आपका फ़ोन कोई और भी यूज़ करता है तो यहाँ से आप ऐड एज ए गेस्ट या फिर एक यूज़र क्रिएट कर सकते हो, जैसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप में करते हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है मल्टी यूज़र्स का। और यहाँ पे नीचे आपको फ़ोन क्लोनिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप नए फ़ोन से पुराने फ़ोन पर कन्वर्ट कर रहे हो या पुराने फ़ोन से नए पे, तो पूरी क्लोनिंग जो है आप वहाँ से फ़ोन पे। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। लेकिन अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर फेसबुक और इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो स्क्रीन पे चैनल का लोगो दिख रहा है वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।